नैनीताल के पाइंस स्थित शमशान घाट के लिए मोटर मार्ग की बात लंबे समय से चल रही है। आपको बता दें कि इसके लिए प्रशासन के साथ ही भाजपा के नगर मंडल के कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद अजय भट्ट की ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज भी शमशान घाट के लिए मोटर मार्ग बनाने की कोई पहल धरातल पर नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह से नैनीताल वासी शवों के अंतिम संस्कार करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस मामले में नगर पालिका के निवर्तमान सभासद मनोज शाह जगाती की ओर से उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा का एक शिष्टमंडल एक बार फिर से इस मार्ग के निर्माण के लिए जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को बताया कि मार्ग के निर्माण का आकलन और सर्वे का काम पूरा हो चुका है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि वन विभाग को अनापत्ति के लिए पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन फिलहाल अनापत्ति नहीं मिली है। ऐसे में अब जिलाधिकारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग को एक और वैकल्पिक मार्ग के रूप में सर्वे करने के लिए आदेश दिए हैं।